हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। ठहर जा चिराग जलाने वाले दुष्ट तिलस्मी फकीर। बच्चे जवान संभाल कर निकाल, जान जान गफलत में न ढाल। हठी बता अपनी पहचान, खुदा का बनाया हुआ इंसान। और कौन है किस गरज से आया, कौन है खतर, ख्याल कुछ भी नहीं और जरीफी का के, ये गुलिस्ता है किसका नहीं कोई डर। तो दुद्म है अब तरीका है इतना नशा, जिधर जाना है बचकर चले जाइए। नाम सुनकर मेरा कांप जाए बदन, खौफ से तेरे पेशाब आए उतर। और तीखे अल्फाज कहकर लगाया तीखे अल्फाज कहकर, तीखे अल्फाज कहकर लगाया आग दी। कम उम्र देख मेरी उबलने लगा, हो के नापाक क्यों और छू लिया कब्र को, जहर अपनी जुबा से उगलने लगा। खेलो बच्चे जबान संभाल कर निकाल, मैं नापाक होकर कब्र को छू लिया। हाँ हाँ, तुमने नापाक होकर इस कब्र को छू लिया और जहर अपनी जुबान से उगलने लगा। बच्चे कब्र पे रोकना नहीं चाहिए। ये बाबा हमार बनवाई कब्र आए, हम नजर आ जाओ क्या? नहीं बच्चे, और इस कब्र पर हमेशा चिराग जलाने के लिए आएंगे। जब जिंदा रहोगे तभी आओगे, आज तुम्हारी मौत हो। मौत है। रुक जाओ भैया, रुक जाओ, रुक जाओ भैया। है तुमसे कहा कि कात गोली होम डाल दियो। क्या तुम्हारे इसके अंदर गोलियां नहीं है क्या? कहां यार, खाली लोहा लेहर टहरा रहे हो। है एकाद घूम रहे हो कि मैं गन दिखाने के लिए टांग रखी? एकाद कहा था ने कात डाल दियो, कात गोली हो तो माइक के फैजा छित रहा है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ यार, नेता बन गए। रुक जाओ एक बार बसाई, बंदूक हाथे में नान के लड़का ले लिए तो अपने आप को वह गुंडाई कह सका थे। अगर हिम्मत हो कब्र का तुह माना थो और कब्र का हम लोग मानी थी, बंदूक फेंको और आओ यही कब्र पर, हमारा तुम्हारे एक बज्जी हो, जो जीतेगा वही आएगा, जो नहीं जीतेगा नहीं आएगा। तो ले फिर चला सामने। तुहार तो हम ले हकाया, हम कहीं छूछ पहिया यार। ओ भैया,
क्या है? खसका क्यों? तलवार यहूली है यार। तो क्या हुआ, तलवार तुम्हारे पास भी तो है। हाँ लेकिन देखा तो गर्गज हसपूला चला रहा है, सीना 36 का लिया, उम्र 32 का लिया, एक देखे हमारे 35 छू जाए। देख कर तुम्हें डर? हाँ भैया डर महसूस होता है। हाँ भैया एक बात है, क्यों करते हो यार? का है? अरे वो अकेला है, हम दो हैं। हम दो हैं और क्या होगा, देखा तो ओका चिड़ियो तो हमारे तुम्हें चार पल्ला नहीं करी है, खसक लियो नहीं बेमौत मारी जी हो। इसका मतलब कि तुम नहीं लड़ोगे? हमारी हिम्मत नहीं भरत भैया। सिपाही आ? अगर तुम नहीं लड़ोगे तो मैं लड़ूंगा। लड़ी हो? क्यों नहीं लड़ी हो कि मरी हो? ए भैया देखा तो मार फूला चला रहा गुब्बारा। ए भैया हमार मुच्छी है, हमका ये गाँव के धेरिया पतोहिया समझ के छोड़ दे। बार बच्चे इस दुधारे का नहीं सह पाएगा, आप जिसी कब्र पर बेमौत मारा जाएगा। फैसला आप कुबत का होगा, फैसला आप कुबत का होगा, इस कदर हो जाएगा, हाथ मल रोएगा, चिल्लाएगा और पछताएगा। तो फिर आसान इस मजार से तेरा क्या रिश्ता है जो चिराग जलाने से रोक रहा है? बोल क्या बाबा, छोड़ दियो, भूले भटके मार गए ना बाबा। बोल ऐ फकीर, इस मजार से हमारा वही रिश्ता है जो कि एक माँ और बेटे से होता है। क्या माँ और बेटे का? इसी मजार की शीतल छाया में मुझे माँ की ममता मिलती है और आज आपने आकर उसे मुझसे छीन लिया है। अब मैं जीना नहीं चाहता, आप मुझे मार दीजिए। नहीं बेटा, ये बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सरवर है। क्या सरवर? तेरे माता पिता का क्या नाम है? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं एक तनहा अकेला हूं। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, एक खबड़ा नहीं, जिसका कोई नहीं उसका ये फकीर है और मेरा रिश्ता जानना चाहता है। इस कब्र के रूह का रिश्ता है, पाक मोहब्बत का रिश्ता है, और चिराग जला जब तेरे माँ की शीतल छाया मिलती है तो आज के बाद मैं चिराग जलाने नहीं आऊंगा। तू जला और खबड़ा नहीं, तेरी हर मुश्किल को आसान कर दूंगा, तेरे हर मोड़ पर मदद करूंगा। ये मत कहना कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर हमें आप अपना समझते हैं तो हम लोगों की मदद करें बाबा। कैसी मदद? बाबा डाकू लहना को हम लोग पकड़ने जा रहे हैं। क्या? हाँ बाबा, डाकू लहना आप जानते हो तो हमारी मदद करें और उसे पकड़ा दे बाबा। डाकू लहना तेरा नुकसान क्या किया है? बाबा उस हरामखोर ने हमारे चुनारगढ़ के महाराज सत्यजीत सिंह का खून। नहीं नहीं, कौन कहता है कि लहना खूनी है? लहना खूनी नहीं, लहना सितारे हिंद है, डाकू नहीं इंसान है, दीन दुखियों का सच्चा वो रहमान है और तू खूनी बता रहा है। नहीं बाबा,
आपको किसी ने धोखा दिया है बाबा। उसने हमारे चुनारगढ़ के महाराज सत्यजीत सिंह का खून किया है। वो इंसान नहीं, बीघों का रहने वाला खूंखार शैतान है बाबा। तो क्या लहना डाकू को पहचानते हो? यही तो मुश्किल है बाबा। देखा है लेकिन साले का मुंह नहीं देख पावा बाबा। लेकिन जब पहचानते नहीं हो तो गिरफ्तार कैसे करोगे? यही से तो आपसे मदद मांग रहे हैं बाबा। लेकिन लहना डाकू अब वो चुनार राज्य में नहीं रहा, अब ये चुनार राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में प्रवेश कर रहा है। लेकिन घबराओ नहीं, अगर वो ना मिला तो हम लोगों की नौकरी खतरे में पड़। परेशान होने की जरूरत नहीं, कल हमारे फकीरों की जमात जाएगी। का बाबा? फकीरन के जहाज जाए? जमात हम कल हमारे फकीरों की जमात जाएगी और लहना डाकू से मुलाकात करूंगा और 8 बजने से पहले हवेली में हाजिर कर दूंगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो 8 बजे लहना डाकू हवेली में मिलेगा। सही है बाबा, के जाना पे हो डाकू। क्या मतलब? हम पहचानते नहीं, कैसे बताऊंगा? तुम ठीक कहते हो बेटा। बाबा क्या बात है? ए झोरी में हम कही तुम गल्ला पानी भरे हो, एमा औजार धरे रहे हो। बेटा अपनी मदद के लिए इसे रखा हूँ। हाँ हमारे तरह के लौंडे लौंडाई कई जाच कई बाबा। हाँ बेटा बुढ़ापे में जो फायदा उठा सकते हैं। हाँ कौनो लौंडा हुरमुट मिल जाए खतरे हो जाए बाबा। बाबा ये दरबार से परेशान है, हम अपने घर से परेशान। क्या परेशानी है बेटा? बहुत परेशान हैं, इस साइड पर हम घर भर परेशान हैं। एक काम हमारो कह दियो बाबा। बोलो बेटा। ये बताओ बाबा, तबीज बनावत हो? अरे बेटा ये तुम हमारे पुश्तैनी हैं। एक तबीज बना दियो बाबा। किस मर्ज का? जौन आपकी लौंडवा पैदा बाओ के चुन्ना काटे थे बाबा। अरे बेटा ये तो तेरे पुश्तैनी है, ये मर्ज ना गया है और ना जाएगा। यही मर्ज तेरी माँ के था और तेरी माँ ही सवाल उठाया था कि बाबा मेरे को एक ताबीज बना दो, मेरे चुन्ना पकड़ता है। मैंने ताबीज बना दिया, तेरी माँ का मर्ज तो दूर हो गया लेकिन वही मर्ज तेरी माँ के बहन को पकड़ लिया। अरे बेटा देखो वो कौन आ गया। बाबा उना कहाँ पे ली गए हो? सिपाही लगता है कि ये बाबा नहीं बल्कि ये वही लहना सिंह डाकू है। हाँ, और हम लोगों को धोखा देकर यहाँ से भाग निकला है। सही कहे भाई, एक साले के चोरे हर के हाथ रखियो रही, ये साला हमारे माई का करिया हो रहा है। सिपाही आज धोखा देकर गया है लेकिन इसने कहा कि कल 8 बजे 8 बजे 8 बजे हवेली के अंदर हम उसे पेश कर देंगे। हाँ इसलिए हम लोग इसी वक्त चलते हैं राज दरबार। के जान पैसे कह दिए, हो सकता है कि इनकी बात सत्य हो और हवेली के अंदर उस लहना डाकू को लेकर आ ही जाए। क्यों नहीं? हाँ सिपाही इसी वक्त हम लोग चलते हैं। अगर ना आया तो? ना आया तो हम लोग फिर इस डाकू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं? गिरफ्तार करने के लिए फिर अपनी फोर्स लेकर हम लोग फिर बिहार की तरफ आएंगे और लहना डाकू को गिरफ्तार करके जिंदान में डाल देंगे। क्यों नहीं? आइए मेरे साथ। जाने हमारे मेवा मिर्गी आई का हो? क्या हुआ सिपाही? पता नहीं का हो गया बाबा, हमको जाम कर ली। क्या जाम हो गए? हाँ भैया। अरे माई हो, ये बतलाइए कि आप कुछ चुराया तो नहीं है यहाँ? कुछ नहीं चुरावा, यहाँ का है न का चुराऊबा यार। भैया चोरी नहीं किया? नहीं। अरे फिर भी हो सकता है कि कोई चीज यहाँ से चुराया हो। नहीं चुराया यार भैया। इस कब्र पर से आपने कोई चीज नहीं चुराया? तोहरे मेहरारू कसम नहीं चुराए। नहीं मेरी औरत की कसम खाता है। का अपने खाई अपने का मारी का। इसीलिए तो तुम्हारी बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। नहीं चुराया भैया, क्योंकि दूसरे की कसम खाता है। नहीं चुराया भैया। नहीं चुराया तो ठीक है, मैं चल रहा हूँ। चुराए क्या? वही बबौना के माचिस अगरबत्ती चोराए। नहीं
मेहरारू गरियावर रह के हैजा गलो एक ठो माचिसो अगर बत्ती नहीं लौचो हम कहा चोराए चली। वाह सिपाही वाह, तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे पास एक माचिस का पैसा नहीं जुड़ता है? कहाँ दिन भर, वो भी कब्रिस्तान से तुमने इस माचिस को चुराया है? का करी भैया, कहूँ नौकरी नहीं लागत, जहाँ नौकरी कही तू या तो नौकर रहा थे या तो फिर हम ही रहे या तो मलिक। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो इस माचिस और अगरबत्ती को इसी कब्र पर रख दीजिए। तो छोड़ दे हैं बाबा, अपन माचिस अगरबत्ती ले लियो, हम का छोड़ दियो बाबा। 14-14 मेहरारू के अकेले पति हम हैं बाबा। धन है अबहिन तो मौत हो गए रही। आज के बाद आज के बाद कहीं भी जाना मंदिर या मस्जिद या किसी कब्र पर लेकिन कभी कोई सामान की चोरी नहीं करना। नहीं करूंगा, किसी भी चीज की चोरी नहीं करना, चोरी नहीं इसी तरह तुमको दंड मिलेगा। नहीं करूंगा। मेरे साथ चलिए यार, हम तो सोचा कि ये जुगाड़ लगाई, बहुत जने दुनिया में चूतिया मने बनावत के हमारे नारसिंह काल भैरव आवे थे। मो भैया इस तरह के धंधा करत हो तो छोड़ ही दियो, नहीं बाबा हमका झोरे में पाए तुमका कौनो तलवा में बोर के मार दे है। ईमानदारी से काम माँ हमारे तरह दोखी अपराधी वाला काम ना करे वह नहीं मऊता है। कुमारी जी सेना पर सरवर लहना सिंह को गिरफ्तार करने गया है लेकिन अभी तक वापस नहीं आया और हमारे दिल की धड़कने बढ़ती जा रही हैं। चाचा जी आप घबराइए नहीं, वो आएंगे तो काम हासिल ही करके आएंगे। राजकुमारी जी मैं उसके आने का इंतजार करता हूँ। अच्छी बात। मंत्री जी और हाथ नगी वो लग सका लहना सिंगदार हाथ नगी वो लग सका लहना सिंग और मेरे खो से भाग गया डाकू अखिल मन मेरे खोफ से भाग गया डाकू अखिल मन और लेकिन पकड़ने के लिए आया बिछा मैं जाल हूँ लेकिन पकड़ने लेकिन पकड़ने के लिए आया बिछा मैं जाल हूँ और उसके छुपने जी आप घबराइए नहीं, लहना सिंह कल 8 बजे आपके जेल के सलाखों के अंदर होगा। सेना पर सरवर लहना सिंह को गिरफ्तार करने गए थे और आए खाली हाथ और कहते हो जाल बिछा करके आया हूं, कल गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन ये बोलिए आज क्या होगा? अरे जो आज मौत होई तो का करी हो बताओ दरबारी। हाँ। दिन प्रतिदिन हमारे दिल की धड़कने बढ़ती जा रही हैं और लहना आज मेरे पास भरपूर पहुंचने की कोशिश करेगा। राजकुमारी जी
हमारी सुरक्षा और बढ़ाई जाए, हमारे निवास स्थान पर दो बॉडीगार्ड और तैनात किए जाएं, और सेना पर सर्वर की नजर 2400 घंटे मेरे ऊपर होना चाहिए। चाचा जी आप घबराइए नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ आप चलिए महल में आराम कीजिए। राजकुमारी जी, मैं अपने निवास स्थान पे आराम करने जा रहा हूँ, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए दो बॉडीगार्ड और भेजिए, और सेना पर सरोवर तुम्हारी नजर हमारे ऊपर होना चाहिए। मैं निवास स्थान जा रहा हूँ, चलिए आइए वहीं पर। और हाँ सेनापति जी, कहिए राजकुमारी जी। आप मेरे महल के चारों तरफ तैनात रहना, अगर कोई आता है तो उसे गोलियों का निशाना बना देना। जो आज्ञा राजकुमारी जी। और मैं महल चलती हूँ। सिपाही जी हुजूर, मैं भी आराम करने के लिए चल रहा हूँ। मैं भी आराम करने के लिए चल रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर ड्यूटी देते रहना, यहाँ पर तैनात रहना, महल के चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते रहना। अगर कोई भी आता है तो मुझे फौरन खबर करना। मैं चल रहा हूँ आराम करने के लिए। कासो भैया देखो बड़वारन के नीत का बड़वारन के लीद आए। लीद नहीं यार, नीत नीत आए। देखा मंत्री जी राजकुमारी को सौंप दिया, सौंप दिया। राजकुमारी सेनापत का सौंप दिया, सेनापत का सौंप दिया। और सेनापत हमका तुमका सौंप दिहिन, सेनापत हमका तुमका सौंप दिहिन। अगहा मोर्चा पर हम ही तुम्हन, कुल मिलाए के मौत हमारा ही तुम्हार है। आएगा तो पहले कलेवा हमारे तुम्हार करी। बहुत सही कहो दोस्त, लेकिन उनका हम बच्चा का कलेवा कह जाओ, हम कहूँ दिशो मैदान ना जाओ। उधी तरह यार अब जरवा हथवा तब बहनिया बंदूक नहीं ले रहे, या बंदूक ना है या छफाइदा है। जौन बंदूक है कि अगर एक दही गोली भर ली, कौन बंदूक है एक दही गोली भर ली दोपहर भर का फोसत खाली जा 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 खाली दिखाई पर जाए बस। हाँ छह गोली इकट्ठा ही जा घर घर जाओ। अच्छा टेंशन नहीं ना, ठीक है फिर आओ साले डाको तेरी पांडी फुड्डी मारू। आओ साले आए तो तुम नहीं आए तो कहा होगा यार, खोपड़ी ना खराब करो यार, मजाक ना करो। मजाक का भौजाई लगा थका यार, गोली कहाँ दगावा यार, कहाँ गोली दगावा यार, आपको दगावा यार, हम कहाँ दगावा यार, तो हम यहाँ खटका भांतो नहीं धरा यार। अम्मा कसम खा, अम्मा कसम नहीं दगावा यार। यार फिर को दगाई यार, हम तो बंदूक हिया धरे हैं। कोई बात नहीं साले, बंदूक अब हिया रखबे ना करम। आ साले देखो यार तो तुम नहीं, आज तो हम नहीं। डिस्को कासी यार, सब गोली ही दगाए दे तो आगे का होई। अरे माई वो बड़ा गड़बड़ हो गया यार। का होएगा? बहुत खतरनाक गोली दग गए यार। हाँ कहो तनी से छत गए भाई। हाँ नहीं जौन गोली चली रही नीचे से गोली ऊपर की मार, लेकिन कोई बात नहीं दुई दगी है भाई चार बची है। ये तो अच्छा रहा कि नाल धरती के नीचे रहा। धरती के नीचे यार, नहीं तो मार छेद दो जहां ना छेदे चाहिए हुआ। कोई बात नहीं अब तो चार गोली, चार बहुत है यार, चार गोली में तो तुम्हारा चार बना दो। आओ साले यार तो तुम नहीं आए तो नहीं दगाते हम नहीं दगाए तो अम्मा कसम यार। यार तुम्हारा तो अम्मा हमारा अम्मा एक यार। हाँ यार प्रभु ये क्या हो रहा है, हे सुरुन नारायण देवता, हे भैंसासुर महारानी, हे कुकुर मुट्टा बाबा, ये क्या हो रहा है, खटका पर हाथ नहीं दे रही गोली बाहर हो रही। तीन है बची यार, तीन। हाँ तीन तो बहुत है यार, तीन तो काफी है। हे शंकर भगवान, हे टेढ़ी टांग वाले बप्पा, हे कुकुर मोटा देवता, अगर आज हम बच गए
तो तोहरे नाम के यहाँ पान दूसरे वाला बनवाऊ चाहे मार्टिन के बनवाए। बहुत सही दोस्त। आओ साले आए तो तुम नहीं आए तो प्रभु ये क्या हो रहा है, खटका पहान नहीं दे रहे इन गोली बाहर बाहर हो रही है। प्रभु दुइन गोली बची, दुइनों गोली झोली में बंद, झोली के अंदर। कोई बात नहीं, दुइ गोली दुइ जागू तो मिरोरिंग जाऊंगा। आओ साले आए तो तुम नहीं आए तो प्रभु एक बची वो दगे की मिस हो जाए। कौनो जरूरी नहीं कि दगी जाए। कोई बात नहीं, अगर गोली ना दगी ना तो कुंदा से मारूंगा। आओ साले आए तो तुम नहीं आए तो मेरे नौजवान साथियों, तो चलो महल को घेर लो भाई, करिए नहीं अबेर, और मार मार कर सबों को भाई करो जमीन पर। तो मार मार कर सबों को करो जमीन पर के। और जा बाज चलो पूरे अरमान करो तुम, और जा बात चलो पूरे अरमान करो तुम, और बंदूखे उठा लो घमा शान करो। बंदूखे उठा लो घमा शान करो तुम, जीने का खाप ना मुझे भाई, मरने की है परवाह, और दुनिया में मेरा नाम हो वो काम करो। दुनिया में मेरा नाम हो वो काम करो। तो कृपाल तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा, और जाके अजल पे आज से आराम करो। और जाके अजल पे आज से भाई आराम करो। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी आज चुंदर का दूसरा दाग मंत्री कृपाल के नाम। आओ मेरे शाह। शिवाही जी हुजूर, रह रहे कर मेरे दिल की धड़कने बढ़ती ही जा रही है। हाँ साहेब। और तेरा जोड़ीदार कहाँ है? हमारा जोड़ीदार गवाह नन्याउरे। तेरे पास कितने कारतूस हैं? कारतूस तो एकौ नहीं ना, कारतूस सब नन्याउरे में भूसौला में गाले। अरे चुपरे, जब हमारी रक्षा के लिए हमारे निवास स्थान पे तैनात किए गए हो और दुश्मन आया तो गोली कहाँ, गोलियां कहाँ हैं? बस वो गोली तो नहीं लाओगा, गोली अंदर अंदर भरे हो, टेंशन ना लो। सिपाही मैंने कल ही कह दिया था कि जितने कारतूस हैं मंदिर पे खर्च मत करो, लेकिन कई फायर किया था। क्या है? मैं अब आराम करने चल रहा हूँ। सरकारी कारतूस नहीं ना प्राइवेट धरे हैं, चिंता ना करो वक्त पर लगा दूंगा। ठीक है। क्या है? एक नंबर के कारतूस अपने पास रखो। क्या है? क्योंकि दुश्मन का सामना कर सके। क्या है? पता नहीं कहे आज मर्ची रैया बहुत बोला थे। क्या? मर्ची रैया बहुत बोला थे। अरे मार दो उस चिड़िया को।
कहा कि मर चिड़ैया बोला तो कौ मरा था। कौन मरेगा? पता नहीं, कुकुरों बहुत रोवा थी। कहा कुकुर रो रहा तुम्हारे एक लड़का मरीन तो गा। चुप! क्या है, होशियार रहो, हम तो होशियार हैं। मैं आराम करने चल रहा हूँ और तुम्हारी नजर मेरे ऊपर होना चाहिए। जगह आराम कीजिए, हम दोनों भाई ड्यूटी दे रहे हैं। ठीक है, आवे दियो। आज आए तो वही नहीं है, आज तो हम इन रहा। आवे दियो, डाकू को देखा जाए। तो बस खबरदार, हिले की कोशिश किया बसे खबर। बस खबरदार, हिले की कोशिश किया तो कलेजा अभी चाक हो जाएगा। भर नजर देख ले मेरी बंदूक को, एक बम से किला सारा गिर जाएगा। भर नजर देख ले मेरी बंदूक, एक बम से किला सारा जाएगा। तो पहले खुलासा करो इसका राज निहां, किस खता की सजा देने आए हो तुम। चाहे जो कुछ कहो, कुछ उजर है नहीं, किस लिए मौत बन करके आए हो। चाहे जो कुछ कहो, कुछ उजर है नहीं, किस लिए मौत बन करके आए हो। चुनार का एक डाकू में खून अपना बहाने हम आए यहाँ। लहना सिंह का सुना नाम होगा कभी, बांध सर पे कफन दे आए यहाँ। लहना सिंह का नाम होगा कभी, बांध सर पे। बाटा मारी सरवा हो। जितने धन की जरूरत है ले जाइए, लो ये चाबी खजाने की देता हूँ मैं। जितने धन की जरूरत है ले जाइए, लो ये चाबी खजाने देता हूं मैं। जान लेने से कुछ ना नफा पाओगे, और लूटने की खुली छूट देता हूं। तो सिवा तेरे नहीं मुझको कुछ चाहिए। तेरे
नहीं मुझको कुछ चाहिए, दो के पाजी फजी हक बढ़ाता है क्यों, दो के पाजी फजी हक बढ़ाता है क्यों, तो सुंदरी का पता खून किसने किया, वरना मुल्क के आदम सीधा जाता है, वरना मुल्क के आदम सीधा जाता है तू, बोल सुंदरी का खून किसने किया? सुंदरी का खून मैंने नहीं किया। यहाँ साला मरवा रहा है। सुंदरी का खून किसने किया? सुंदरी का खून मैंने नहीं किया। बताओ साले दुर्गुआसी बोगरी हनुमाना बना। सुंदरी का खून सेनापति यशपाल। क्या सेनापति यशपाल? सुंदरी का खून बोल बोल बता सारे। सुंदरी का खून मैंने ही किया था। मैंने क्या? ही किया था तूने किया? मिल गया सुंदरी का कातिल मिल गया। अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और खबरदार रुक जा वही बचना अमरे मुहार। खबरदार रुक जा वही बचना अमरे मुहार। और मौत खड़ी है सामने बंदूके दो डाल। जयनाथ सिंह, अगर तुम लोगों ने अपनी अपनी हथियारी जमीन पर नहीं डाला तो आज तुम लोग मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचोगे। सबसे पहले लहना सिंह मैं तुझे मिटाऊंगा। बच्चे अभी नई ड्यूटी ज्वाइन की हो? अरे ये खेल तो बहुत पहले खेल का छोड़ दिया। तो अरे निडर, अरे बेनिडर छोकरे रहा मुझे लल। अरे बेनिडर छोकरे रहा मुझे ललकार। और जी भर के तू कूद ले फैला के पैतरे। और जी भर के तू कूद ले लाख पैतरे। अरे ओ फौजी अब तेरा क्या होगा रे साथियों? ये आया है बचाने, अब इसकी मौत खींच कर लाई है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जान से इनको मारो ना सरदार जी, मुझ
जिया भागल पे थोड़ा। ये नहीं होगा, साथ में अब ना जमे सितम कीजिए। तो वास्ते तेरे लड़की रहम है मेरे, आज से तुझको अपनी सुता मानता। सुंदरी का भाई कातिल मुझे चाहिए, कौन तेरा सगा मैं नहीं जानता। सुंदरी का आए लक्ष्मी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं दादा जी, माफ कर दो खाता, माफ कर दो खाता, दोनों की दादा जी मेरे फरियाद कर तुमको मंजूर है। मंत्री पिता तुल दरबार के सेनापति मांग का मेरे सिंदूर है, सेनापति मांग का। क्या ये तेरे मांग का सिंदूर है और ये दरबार का मंत्री पिता तुल है, ये देश का गद्दार खूनी ये पिता तुल है। हम के वफादार सिपाही कुत्ता कहीं आए लड़की तो छोड़ दूंगा विलास तक मैं शहर तेरा, एक संदेह है बेटी मिटाना पड़े। सेनापति का पिता कौन संसार में, मौत के पहले उसको भैलाना पड़े। सेनापति कौन संसार में, मौत के पहले उसको भई तेरे शौहर को छोड़ दूंगा, लेकिन इसके वालिद को लाकर मेरे सामने हाजिर करना होगा। दादाजी मुझे तो मालूम नहीं है कि इस दुनिया में इनके पिता है या नहीं, लेकिन दादाजी अगर मुझे वक्त मिल जाए तो मैं आपसे सब कुछ बतला सकती। तेरे ऊपर रहम आ जाता है, ठीक है बोल, तुझे कितना वक्त चाहिए। एक जुबान से बेटी कहा और बेटी होने के नाते तुझे वक्त दूंगा, बोल कितना वक्त चाहिए। 5 मिनट का। 5 मिनट? क्या 5 मिनट के बाद इसके पिता को जिंदा या मुर्दा लाकर मेरे समक्ष हाजिर करेगी? दादाजी अगर ना हाजिर किया तो दादाजी मुझे मार देना। ठीक है साथियों, इन तीनों को ले चलो,
इन तीनों को ले चलो घाटी पर बांध दो और इस फौजी को छोड़ दो। ले जाओ उन तीनों को। ए चोर भैया, हम पे रहम करो, हमको छोड़ दो भाई। आज के बाद ये इलाके में नहीं दिखाई। मारूंगा साले गोली। ये जो बेल की तरह खोपड़ी लेकर टहल रहा है, ये खोपड़ी जमीन में आएगी। जात रख जात। अरे ओ फौजी, जरा सामने आ। ओ बहुत तेज तर्रार बनता है, गोली चलाएगा, लहना को मारेगा। याद रख, लहना कोई बकरी का बच्चा नहीं जो आसानी से अपने कब्जे में दबोच सके। याद रख, तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता, लेकिन मजबूर कि ये लड़की पांच वक्त का, पांच मिनट का वक्त मांगा है। पांच मिनट के बाद हमें रिजल्ट चाहिए। इसका वालिद जिंदा या मुर्दा मेरे सामने हाजिर होना चाहिए। और पांच मिनट के बाद ना मिला तो लड़की कान खोल कर सुन, तेरे मां के सिंदूर को मिटा दूँगा।